गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिट टू वर्क। होमोफोन्स के बारे में हमने देखा था, अब होमोनिम्स के बारे में देखते हैं। होमोनिम्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग सेम है लेकिन उसके मीनिंग दो हो गए या फिर उससे ज्यादा, एंड उसके मीनिंग भी डिफरेंस हो गए। वन वर्ड्स है लेकिन उसका मीनिंग है वो टू होगा। देखते हैं, बुक टू रिजर्व, रेलवे की टिकट बुक करा दे है, प्लेन की टिकट बुक करा दे है, तो उसे हम बुक कहते हैं रिजर्व। समथिंग टू रीड और राइट, हम लिखने के लिए ये जो इसका यूज़ करते हैं उसे भी हम बुक कहते हैं। तो बुक लिखते हैं तो बुक का मीनिंग होगा रिजर्व भी, एंड बुक का मीनिंग होगा पुस्तक भी, तो उसके टू मीनिंग्स होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोनिम्स। पीछे कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके स्पेलिंग के बारे में लिखना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन होमोनिम्स। लाइट, लाइट वन वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग टू होगा। आई लाइट द कैंडल्स, कैंडल्स को जला दे उसे हम लाइट कह दे। रैबिट्स बॉडी इज लाइट, रैबिट का बॉडी भी लाइट होता है। लाइट का मीनिंग होगा यहाँ पे हल्का, एंड यहाँ पे होगा लाइट यानी कि ब्राइट। सेकंड, लेटर, आई राइट अ लेटर, हम लेटर लिखते हैं उसे भी लेटर कहते हैं। H इज अ लेटर, अल्फाबेट्स का लेटर होगा उसे भी हम लेटर कहते हैं, एंड लिखने के जो सेंड करते हैं उसे भी, मैसेज सेंड करते हैं उसको भी लेटर कहते हैं। फाइन, ही पेज फाइन एवरी डे, फाइन का मीनिंग होगा दंड। आई एम फाइन, फाइन का मीनिंग होगा ओके। एड्रेस, पी एम एड्रेस इज द कंट्री, एड्रेस यानी संबोधन करना, तो उसको भी एड्रेस कहते हैं। प्लीज गिव मी योर एड्रेस, एड्रेस यानी कि सरनामा बोलते हैं उसे भी एड्रेस कहेंगे। वॉच, आई हैव अ वॉच, वॉच जो पहनने के लिए यूज करते हैं उसको भी वॉच कहते हैं। शी वॉचिंग अ फिल्म डेली, हर रोज फिल्म वॉच यानी कि देखना, उसको भी वॉच कहते हैं। आयन, आयन यानी कि क्लोथ्स को हम प्रेस करते हैं उसको भी आयन कहेंगे। आयन इज मेटल, मेटल है उसको भी आयन कहते हैं। काइंड का मीनिंग होगा टाइप, एंड काइंड, काइंड यानी कि नेचर, गुड हार्टेड, उसको भी हम काइंड कहते हैं। रिंग, शी रिंग्स द बेल, बेल यानी कि रिंग्स यानी कि बजाना। शी वियर्स अ रिंग, रिंग यानी कि जो फिंगर्स पे पहनते हैं उसको भी रिंग कहते हैं। ट्रिप, इट्स ओनली अ फॉर आवर ट्रिप मे बी, ट्रिप, ट्रिप का यानी मुसाफरी करना होगा। बेटर द फूड स्लीप देन द टंग ट्रिप, फूड स्लीप यानी पैरों से हम स्लीप होते हो, देन द टंग ट्रिप यानी कि आपकी जो टंग है वो टंग भी स्लीप हो जाती है, उसको भी हम ट्रिप कहते हैं। राइट, टर्न राइट साइड, लेफ्ट का ऑपोजिट उसको हम राइट कहते हैं। यू आर राइट, सही होगा उसको भी हम राइट कहते हैं। रोज, रोज इज अ फ्लावर, फ्लावर का नेम है उसे भी रोज कहते हैं। मोहन रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड स्पोक, रोज यानी खड़ा हुआ उसको भी रोज कहते हैं। ट्रंक, मोहन टाइज द रोप अराउंड द ट्रंक ऑफ ट्री, ट्री का भी ट्रंक होगा। मदर पुट्स हर बुक्स इन द ओल्ड ट्रंक, ट्रंक यानी कि पेटी, पेटी बॉक्स जैसा होगा उसको भी हम ट्रंक कहते हैं। बुक,
आई पुट माई बुक इन द ड्रॉवर, पुस्तक उसको मैंने ड्रॉवर में रखा, तो उसको भी बुक कहते हैं। विल यू बुक द रेलवे टिकट, बुक करवाना रिजर्व, रिजर्व को भी हम बुक कहते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अ सीजन, सीजन को स्प्रिंग की सीज़न है, उसको भी स्प्रिंग कहते हैं। सी गिव मी अ स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि पेन में, पेन में यूज होती है, उसको भी हम स्प्रिंग कहते हैं। प्रेजेंट, ही गॉट अ प्रेजेंट फ्रॉम हर फादर, उसके फादर के साथ भी वो प्रेजेंट है। वो वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट का यूज होगा। माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, उसको आपकी वर्कबुक में लिखना है एंड प्रिपेयर करना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज मयंक फ्रॉम द स्कूल टाइम। वी आर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड स्टिल कंटिन्यू। सी या ही इज अ स्मार्ट बॉय और गर्ल, यह भी आपने आपके फ्रेंड यानी कि गर्ल होगी तो शी का यूज करना है, बॉय होगा तो ही का यूज करना है। हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड डिम्पल चीक्स, सी और ही इज अ प्रेटी गर्ल, अगर बॉयज होगा तो स्मार्ट बॉयज लिखना है। आई लाइक I like so much her. I still remember that we were met in our kindergarten class and becomes great friends forever. KG में हम मिले थे and friends forever, हम mess के लिए हम friend हो गए। She is very entertaining, jolly and helpful. यहाँ पे सी या ही का यूज करना है। हेल्पफुल इन नेचर, ही और सी अंडरस्टैंड्स मी अलॉट एंड बिकम ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इन माय ऑल बेड एंड हैप्पी कंडीशन। वी आर क्लासमेट्स एंड बिकम टुगेदर एवरी टाइम। वी गो टू स्कूल एवरी डे टुगेदर and play sports daily in the nearby garden ground of our house. तो ये जो पैराग्राफ है उसको वर्कबुक में भी लिखना है एंड प्रिपेयर भी करना है।